welcome back to Richa and Sorrow World. तो आज ना मैं रिचा को लेके जा रहा हूँ एक रोमांटिक सी डेट पे. रोमांटिक डेट कब से हो गई? क्यों भाई रोमांटिक है, हम चार जने जा रहे हैं, दो कपल जा रहे हैं, कपल डेट पे जा रहे हैं. हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग और कैसा लगा मेरा आज का आउटफिट? तो ये ग्रीन और ब्लैक कलर का नया कॉम्बिनेशन ने किया है, बेड के साथ मैच किया है. तो बेड के साथ मैच कर रही है कि मेरे साथ मैच करना चाहिए था? ये देखो मैं एक ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक जींस में और इसने क्या डाला है, ग्रीन और ब्लैक. बिल्कुल भी कहीं से भी एंगल से मैच नहीं कर रही है. हाँ, तो आज ना मैं इसको एक बहुत ही स्पेशल जगह पे लेके जा रहा हूँ. वो कौन सी स्पेशल जगह, ये भी बता दो. ये उसको ना बताना क्या, सीधे दिखाता हूँ ना, ऐसे क्या फायदा है. गाइस हम ना उस जगह पे पहली बार जा रहे हैं एंड वी आर रियली सुपर एक्साइटेड क्योंकि कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है. हाँ. और कुछ नया ट्राई करेंगे वहाँ पे एंड ऑलरेडी सवाल बच चुके हैं. तो यहाँ पे कुछ और पार्सल्स भी आ चुके हैं. जाने से पहले रिचा को मिला है ब्रांड की तरफ से एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट, स्वीट नाइट. स्वीट नाइट गाइस, दिस इज फ्रॉम ब्रांड स्वीट नाइट. उन्होंने हमें मेरे को और सौरभ को दोनों को एक प्यारा सा गिफ्ट भिजवाया है. तो लेट्स ओपन दिस एंड देखते हैं उसके अंदर क्या स्पेशल आया है. एटलीस्ट सौरभ के लिए बहुत अच्छी चीज आई है जो उसको चाहिए थी. और हमने टेक ओवर कर लिया, बोला तो बहुत टाइम लगाती है, मैं फटाफट खोल दूंगा. Thank you so much, Sweet Night, for sending us this parcel. जो उनके सबसे बेस्ट पिलोज हैं उनकी ब्रांड के. देखो मुझे है डस्ट एलर्जी, तो मेरे लिए तो इतने अच्छे है ना, क्योंकि अगर मैं इसको यूज करूंगा तो सोने के टाइम पे मेरे नोज जो है ना ब्लॉक नहीं होंगे. हाँ, और दूसरा ये है कि ये मशीन वॉशेबल है. और तीसरा ये है कि ये कॉटन से बने हैं, प्योर कॉटन के बने हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा आराम देंगे. हाँ, अभी जैसे गर्मी चल रही है. ओ हो, पिल्लो बाहर आ रहे हैं. गाइस वेरी नाइस पिल्लो, आई मस्ट से. पार्सल भी अभी अभी आया है नीचे से लेके सौरभ, और इसको हम करने वाले हैं ओपन. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्वीट नाइट. और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे हमें पार्सल भिजवाए हैं. और ये खोलते हैं और इसके अंदर भी देखिए गाइस, पूरे इसके अंदर भी पिलो है. इन्होंने हमें चार बॉक्सेस भेजे हैं और एक वो वाला बॉक्स भी था अलग से. तो पांच बॉक्सेस भेजे हैं और इन्होंने ना हमें एक्चुअली ट्राई करने के लिए भेजे हैं. कुछ इन्होंने कूलिंग वाले पिलोस भेजे हैं ताकि आप कूल करके आराम से सो सको. कूल करके अरे मतलब ये ठंडा फील करेंगे तुम्हें, मतलब सोते समय ऐसे गर्मी नहीं लगेगी. कुछ पिलोज है जो नेक पेन के लिए, अगर आपको नेक पेन हो रही है सोते हुए होती है तो उसको रिलैक्स करने के लिए. कुछ पिलोज है जो एलर्जी के लिए है. तो इन्होंने हमें सारी वैरायटीज भेजी हैं. इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी है गाइस. तो सारी वैरायटीज है पिलो की. आप फर्म पिलोज है, इनके पास पूरे गद्दे है, मैट्रेसेस है, मैट्रेस प्रोटेक्शन है. तो आप इनके अमेज़न स्टोर पे जाइए और वहां पर जाके आप देख सकते हैं अलग वैरायटीज. हर Amazon स्टोर में ना ऑलरेडी इनका कैंपेन चल रहा है, 13% से लेके कुछ 18% का इनका डिस्काउंट चल रहा है. और अगर आपको लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ इसका लिंक, वहां पर जाके इसको आप चेक कर सकते हो. तो ऐसे ही और भी तीन चार पैकेजेस है जो सेम ही है वैरायटी एंड ऑलरेडी साइज के हैं, बस थोड़े डिफरेंट फीचर्स ऑलरेडी सौरभ ने आपको खोल के दिखा दिए हैं. तो लो जी रिचा तो अभी से इसको संभाल के कवर चढ़ा के अभी से इसको यूज करने लगी है. अभी आए हैं तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना अच्छी चीज का. चलो फिर तो बढ़िया है, हम अपने जो पुराने पिल्लो है उनको कर देंगे चेंज. हाँ, पुराने पिल्लो को कीजिए बाहर और नए पिल्लो रखेंगे यहाँ पे एंड इसके ऊपर अच्छे से कवर वगैरह चढ़ा के फिर इसको यहाँ पे डाल दूंगी. तो लड़कियों की ड्रेस उनके हैंड बैग के बिना पूरी होती नहीं, पर शुक्र है फाइनली लड़की तैयार हुई है. मैं पहले तुम्हारे से पहले तैयार हुई हूँ. चलो चलो निकलो, चलो निकलो, तो पहले निकलो. कितने दिनों के बाद ना इसने ऐसे हील्स डाली है बड़ी वाली, इतनी लंबी वाली. हाँ, और अब तो इसका अभी तक घर से नीचे नहीं आया और इसके पैर भी दुखने शुरू हो गए हैं. यार अभी काफी दिनों बाद पहनी है ना, तो एकदम से जो है ना पैरों पे लग रहा है कुछ की पहना है. क्योंकि एक्चुअली ना यहाँ पे ठंड बड़ी होती है तो हील्स वैसे भी नहीं डालते लोग, शूज ही डालते हैं और कम्फर्टेबल रहते. कुछ चलना बहुत पड़ता है ना हर चीज के लिए, तो शूज सबसे कम्फर्टेबल है. बट अभी गर्मियां है तो उस चीज का फायदा उठाना चाहिए. अब नहीं तो कब फिर. अब नहीं, 8:30 हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई सीन नहीं लग रहा डिनर का, क्योंकि अंधेरा ही नहीं फील हो रहा, ऐसा लग रहा लंच करने जा रहे हैं. हैव सम फोटोशूट. ये कर कर के ना तुम्हारे बाल झड़ गए इसी कारण. कौन कौन से लोग हैं जो मेरे जैसे ना अपने आपको वो सेम सिचुएशन में देखते हैं. घर से बाहर निकलना फोटोशूट, अच्छा कहीं पर गाड़ी में जाना फोटोशूट, डिनर करने जाना फोटोशूट. मतलब फोटोशूट के बिना तो गाड़ी में बैठना मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक शुभ काम करना था फोटोशूट मिलने वो क्या. अभी तो
वहाँ जाके भी करना है ना फोटोशूट, रील भी बनानी है, खाना खाने जा रहा था, रील भी बनानी है ना ये चलो। और पीयूष पूरा देवदास बना हुआ है आज, दोनों पर पीयूष दोनों देवदास बने हुए हैं। हमारी पारो कहाँ है, शूट कर रही है वो मुझसे, हमारी पारो कहाँ है, क्लब में जाओ, चलो बैठो। पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, सौरभ कर रहा है गाड़ी पार्क और ऐसा है कुछ यहाँ पे कार पार्किंग का सीन। हम आए हैं पोन्सबर्न पोर्ट्स में, यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, अंदर पोर्ट्स बने हुए हैं और सौरभ एवरीबॉडी एक्साइटेड, देखिए तो हम ऐसे एक पोर्ट में बैठने वाले हैं और वहाँ पे करने वाले हैं आज का डिनर। अपनी हीरोइन को लेके आया हूँ ऐसी एक मस्त वाली जगह पे, ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत। अब फटाफट हम जा रहे हैं कि हमें कौन से टेबल पे बैठने को मिलेगा, और हाँ लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाँ अभी पहले जाके अंदर बैठने दे। तो हमारा डोम कौन सा है, अच्छा रिसेप्शन पे जाते। फाइनली वी आर एंटरिंग टू आवर पोर्ट, फाइनली हम अपने पॉड में एंटर कर चुके हैं। ओहो एक्साइटमेंट देखो, लेट्स हैव अ फन टुनाइट एंड ड्रिंक्स। पहले हम देखते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है आज। तो रिचा फाइनली क्या मंगवा रही है, कोई नई चीज आज, वर्जिन मोहितो नहीं, मैं तो नेहा तो वर्जिन मोहितो पीने वाले हैं, तुम इतना प्यारा डिनर पे लेके आए हो तो हम वही पिएंगे, वर्जिन मोहितो, वर्जिन वर्जिन सारे यहाँ पर। तो रिचा कैसे लग रही है डिनर डेट, डिनर डेट में हम समोसा खा रहे हैं। तो समोसा क्या एग्जॉटिक है, पंजाबी आइटम देखो मिल रहा है खाने को डिनर में, और क्या चाहिए स्टार्टर में। चीयर्स टू हेल्दी लाइफ, हेल्दी वाइफ, हैप्पी फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंड्स, हैप्पी लाइफ। यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कशन, हाँ गाइस क्या मंगवाने फिर मेन कोर्स में, दाल मखनी, रोटी सब्जी बिरयानी, तो हमें डेट पे लेके आए हो ना तो हमारी मर्जी चलेगी, इसलिए हम लोग सिर्फ रोटी और ये सब खाएंगे। तो गाइस वी आर शिफ्टिंग टू दिस साइड नाउ बिकॉज वहाँ पे तो थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा था। सौरभ तो ड्रिंक्स भी साथ में ले गया, हाँ यहाँ पे हमने बोला कि हमें अरेंज करा दो, इन दोनों ने हमें बाहर निकाल दिया है और अपनी डेट कर रहे हैं। भाई हमारे को अपना भी प्राइवेट रूम चाहिए होता है, अगर तुम अपना प्राइवेट रूम बुक कराओ, बाजू वाला पोर्ट खाली है। और दिस इज आवर डिनर डेट फूड, बिरयानी, दिस इज मिक्स सब्जी, ये मिक्स वेजिटेबल, ये दाल मखनी एंड नान, गार्लिक नान। ओह यस लेट्स एंजॉय द डिनर डेट, चीयर्स, फूड करो। ये देखो मतलब सारे हील्स हाथों में उठा लिए गए हैं, पैर तो नहीं पहना जा रहा है यार, पैर दुख रहे हैं, नहीं पहना जा रहा अभी तो छोटी थी, तो फिर इससे अच्छा तो इससे अच्छा तो फिर वही कलर शूज डाल के आ जा करो। गाइस घर पहुंच चुके हैं, रिचा ने तो कपड़े भी चेंज कर लिया, वो तो रिलैक्स हो रही है और मैं भी फटाफट कपड़े चेंज करता हूँ, ये सामान संभाल क्योंकि हम ऐसे छोड़ के चले गए थे, हाँ हम लेट हो गए थे तो सब ऐसे ही गंद डाल के छोड़ के चले गए थे। और आप देखेंगे खतरों के खिलाड़ी, माय फेवरेट शो, तेरे को भी भेज देता हूँ वहीं पर ही, स्पेन पास में 2-3 घंटे के लिए चले जा, फिर जानवरों के साथ खेलती रहना। लेकिन ये तो कैप्टन में हो रहा है अभी आजकल, तो फिर कैप्टन की टिकट बुक, कैप्टन जा नहीं सकते ना अभी, अभी तो बंद है। गाइस बहुत मजा आया, सौरभ ने बहुत अच्छा डिनर कराया एंड इट वाज रियली अमेजिंग एंड आई होप आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी डिनर डेट अच्छी लगी हो, और आप लोगों को बाय बोलते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।